A new era of electric mobility has begun. तो परसों मैं अपने भाई के साथ एक शॉप पे चाय पी रहा था और वहाँ पे मैच भी चल रहा था. तो अभी कल परसों में जो भी मैच था उसके दौरान मैंने एक ऐड देखी. ऐड की टाटा नेक्सॉन ईवी की जो भी रिसेंटली लॉन्च हुई और उसकी जो रेंज एक चार्ज में वो कितना दूरी तक चल सकती है वो जब मैंने देखी तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं 465 किलोमीटर की रेंज है एक सिंगल चार्ज में जो कि एक अच्छी खासी रेंज है इलेक्ट्रिक कार्स में. तो मुझे लगा कि यार उसकी एक बार सारी स्पेसिफिकेशन जरूर चेक करनी चाहिए और मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए. अभी मैं टाटा नेक्सॉन ईवी की वेबसाइट पर आया हूं और मैं यहां से उसकी सारी स्पेसिफिकेशन आपके साथ फर्स्ट टाइम मैं खुद भी चेक करने वाला हूं. देखते हैं इसका तक क्या एक्साइटिंग है, क्या वाकई में 465 किलोमीटर की रेंज वो क्लेम कर रहे हैं जो कि एक अच्छी खासी रेंज है. अगर आप लॉन्ग रूट पे इंडिया में कहीं पर भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो 465 एक डे के लिए इनफ डिस्टेंस है कि आप सुबह से लेकर शाम तक एक एरिया में जाके सेफली पहुंचे एंड देन आप उसको चार्ज करें. इसके अलावा चार्जिंग टाइम कितना है, क्या उसको फर्दर हम जल्दी से और आगे मूव कर सकते हैं, वो सब हम अभी चेक कर लेते हैं. चलिए हम चलते हैं वेबसाइट पर, चेक करते हैं क्या स्पेसिफिकेशन है नई टाटा नेक्सॉन ईवी की. तो दोस्तों ये वो वेबसाइट है जहाँ पे आप न्यू नेक्सॉन ईवी का डिटेल रिव्यू और सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह आप देख सकते हैं. तो nexonev.tatamotors.com पे आप सिंपली गूगल में टाइप करेंगे नेक्सॉन ईवी तो यही वाली वेबसाइट सबसे ऊपर खुलेगी. तो यहाँ आप ऊपर देख ही सकते हैं इसकी फर्स्ट पिक है जिसमें प्राइस स्टार्ट्स एट 14.74 लाख लिखा हुआ है जो कि कहीं ना कहीं 15.5-16 लाख की रेंज में जाके ऑन रोड बैठेगी. रेंज यहाँ पे सबसे ऊपर इन्होंने अक्लेम कर दिया 465 है बट इसके अंदर क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं. एज पर ARAI अंडर स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन है ये. एक्चुअल परफॉर्मेंस फिगर्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन वेरियस कंडीशन इंक्लूडिंग ड्राइविंग पैटर्न एक्सेट्रा. तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें से अगर हम 50 किलोमीटर भी अगर हम माइनस कर दें तो भी ये 415 की रेंज तो अपने को दे ही देगी. यानी कि अगर हम दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाके और हम वापसी कुरुक्षेत्र तक वापसी भी कर सकते हैं या फिर एक सिंगल रन में जाएं तो हम यहाँ से जो वैष्णो देवी तक पहुंच सकते हैं अगर इसकी अकॉर्डिंगली स्पीड से जाएं तो इजीली. बीच में एक चार्ज मारना पड़ सकता है अपने को. और 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है ये 8.9 सेकंड में गेन कर लेती है. इसमें भी फिर वही है कि एम्बिएंट टेम्परेचर और कंडीशन होनी चाहिए यानी कि हाईवे कंडीशन आप कह सकते हो. ये सबसे बेस्ट पार्ट है. फास्ट चार्ज इसमें 56 मिनट्स में दे रखा है यानी कि 10% to 80% अंडर टेस्ट एम्बिएंट टेम्परेचर कंडीशन ये 56 मिनट में यानी करीब करीब एक घंटे के अंदर ये दोबारा से 80% तक चार्ज हो जाएगी. यानी कि एक घंटे अगर आप कहीं पे रेस्ट मारते हो और इसको चार्जिंग पे लगाते हो तो फिर से ये 300 किलोमीटर प्लस फिर से गेन कर लेगी. तो यार इस हिसाब से आप इसको लॉन्ग रूट पे ले जाने के लिए एकदम ये मुफीद है. इस हिसाब से फिर ये बेस्ट है लॉन्ग रूट के लिए क्योंकि एक घंटे का आप कहीं पे भी रेस्ट ले सकते हो. अगर आप कंटिन्यूस लॉन्ग रूट जाना चाहते हो, मान लो आपको नाइट में भी ड्राइविंग करनी है या फिर नाइट से स्टार्ट करनी है और नेक्स्ट डे पूरा दिन चलना है तो इस हिसाब से आप मतलब ऑल ओवर इंडिया टूर जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो इस टाइप की गाड़ी में इजिली प्लान किया जा सकता है. और 15 लाख अगर देखा जाए तो एसयूवी के अकॉर्डिंग कोई ज्यादा कीमत नहीं है. इसका जो ऑलरेडी डीजल वर्जन और पेट्रोल वर्जन है वो 13 के आसपास तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं टॉप वाले और इसमें कहीं ना कहीं उनसे बैटरी फीचर्स दिए गए होंगे. चलिए और आगे चलते हैं. यहाँ पे डिजाइन जो है स्मार्ट डिजिटल लाइट्स वगैरह दी गई हैं. यहाँ देखिए जो फ्रंट में जो डिजाइन है वो काफी डिजिटल टाइप से ही दिया गया है. और ये देखिए जो इसकी लाइटिंग है पूरी डिजिटल कर दी है इसके अंदर. चार्जिंग पॉइंट वगैरह काफी एलिगेंट लुक लग रहा है. गियर शिफ्टिंग जो है वो भी काफी एलिगेंट है. सबसे मेन तो यार इसकी रेंज ही है 465 किलोमीटर्स. मेरे ख्याल से अभी किया के बाद सेकंड हाईएस्ट रेंज अभी यही आई है. वो 700 प्लस की उनकी रेंज है किया की बट वो आई थिंक महंगी भी बहुत है. और टाटा एक इंडियन कंपनी है इस पर हमारे को शुरू से भरोसा रहा है तो टाटा में ऐसी रेंज आना बहुत ही कमाल की बात है. तो ये एड आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी और टीवी पे भी. इसके अलावा अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या शो कर रही है आप देखिए. यहाँ पे मेनली हेडलाइट्स का ही जो है मेन दिया गया कि हेडलाइट्स इसमें स्टार्ट कैसे होती है. तो जब आप ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हेडलाइट्स ऑन होंगी और सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं तो किस तरीके से कुछ इल्यूमिनेट होंगे जब आप उसको ऑन करेंगे. तो कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं इसमें. प्रोजेक्टर लाइट्स दी गई हैं सो दैट कि आप पहाड़ों में या डार्क स्पॉट्स पे इजीली क्लियरली आप विजिबिलिटी ले पाएं. चार्जिंग इंडिकेटर्स दिया गया है जब आप दूर से उसको वॉच करेंगे चार्ज हो रही है या नहीं हो रही. तो देखिए जैसे हम लैपटॉप्स वगैरह चार्ज करते हैं कोई भी गैजेट चार्ज करते हैं ऐसे ही ये इंडिकेशन देगा गाड़ी चार्जिंग में है. डिजाइन देखिए फेस लिफ्ट है काफी अच्छा खासा और काफी फेस को काफी डिजाइन कॉम्पैक्ट और डिजिटली एनेबल्ड कर दिया गया है जो कि पेट्रोल और डीजल टाइप के जो डिजाइन आते थे उनसे हटके एक डिजिटल लुक आता है इसके अंदर. तो यहाँ पे फ्रंट डिजाइन है, पीछे का डिजाइन है बैक से. उसके बाद आप इसके देख सकते हैं एलॉय व्हील्स हैं R16 और
काफी शार्प एजेस उसके अंदर, काफी लुक काफी शार्प दिया गया, काफी ब्यूटीफुल लुक है। रियर वाइपर्स इसके अंदर देखिए दिए गए हैं, काफी अच्छा लुक है यार। और सबसे बड़ी बात है टाटा के अंदर ये आई है, तो टाटा की तो फिर बात ही कुछ अलग है। स्मार्ट डिजिटल स्टीयरिंग व्हील्स हैं, जो व्हील हैं उसी के अंदर जो है काफी कुछ डिजिटली ऐड कर दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको फिजिकल कंट्रोल पैनल बोला है, यानी कि मतलब आप टच भी है उसके अंदर और फिजिकल चीजें भी हैं, तो दोनों चीजों को मिला के एक ऐसा कंट्रोल दिया गया है जिसको मतलब कुछ लोगों को जो फिजिकली टच करना थोड़ा भार उभरी हुई स्विचेस पसंद है तो वो उस तरीके से भी है, पर उस पर टच होने से ही एक्शन हो जाएगा, तो इसको ये फिजिकल बोल रहे हैं। और ये काफी अच्छा एक लुक है इसके अंदर। स्मार्ट डिजिटल शिफ्टर्स हैं ये काफी अच्छा लगा, देखिए कितना बढ़िया इसमें पाम सपोर्ट के साथ इसको बनाया गया है। और ये ऑटोमेटिक वर्जन है तो गियर शिफ्ट ऑटोमेटिक है। देन डिजिटल डैशबोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे जो है डैशबोर्ड दिया गया है। तो पर्पल कलर में ये आई है, फियरलेस पर्पल जिसको ये बोल रहे हैं। देन क्रिएटिव ओशियन कलर में आई है, और यहाँ पे रूफ टॉप भी आप देख सकते हैं जो है डिफरेंट कलर में है। और इसके अलावा फिर जो है ग्रे कलर है, डेटोना ग्रे, जो कि सदाबहार कलर है और काफी डैशिंग लग रही है इसके अंदर। वैसे मुझे ओशियन ब्लू काफी अच्छा लगा, क्रिएटिव ओशियन, और काफी हटके और काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है रूफ कलर के साथ, तो ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है। देन फ्लेम रेड है तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है, बट इस कलर में ऑलरेडी जीप और अदर कार्स के अंदर काफी वैरायटी अवेलेबल है, काफी ऑप्शन अवेलेबल है इस कलर में, तो ये फिर मिक्सअप हो जाएगा अदर कलर के साथ। और इसके अलावा इन्होंने ऑक्साइड कलर भी निकाला यार, ये कलर तो बाकी मेरे को व्हाइट से हटके कुछ अच्छा लगा। तो आप जाके और इनके शोरूम में इसका जो है फील ले सकते हैं। V2V चार्जिंग, अरे वाह ये देखिए ये क्या कमाल की चीज है, मतलब एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल को आप चार्ज कर सकते हैं। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे आप चलते हुए एक लड़ाकू हवाई जहाज को उसके अंदर पेट्रोल दूसरे जहाज से भर देते हैं, सेम वैसे ही है। ये एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, ये चीज जो है कमाल की, इमरजेंसी में आप दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल से आप सपोर्ट ले सकते हैं। अगर काफी दूर तक रोड साइड कोई ऐसा पॉइंट अवेलेबल नहीं है चार्जिंग का, तो आप आते जाते किसी से हेल्प मांग के भी अपनी चार्जिंग कर सकते हैं। और माइट भी हो सकता है टाटा आने वाले समय पे ऐसे पोर्टेबल व्हीकल रोड पे छोड़े जो कि आपको आते जाते ऑन द वे चार्जिंग मुहैया करवाए, तो ये भी एक आने वाले फ्यूचर इनका कंसेप्ट हो सकता है, बट ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगा मुझे। देन V2L टेक्नोलॉजी री इमेजिन योर कार एज ए पावर बैंक, यानी कि इससे आप बाकी के अपने जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी आप उससे चला सकते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया और जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, मतलब ये चलता फिरता जो है पावर बैंक है और वो काफी ह्यूज पावर बैंक है। यानी इसके साथ अगर आप कहीं लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो एक क्रिएटर जैसे मेरे जैसे क्रिएटर उसको अपने कैमरा चार्जिंग के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए या ऐसी किसी भी नीड के लिए, ट्रेवलर्स के लिए और क्रिएटर्स के लिए ये चीज बहुत काम आने वाली है। जैसे आप देख भी सकते हैं वो अपने ड्रोन को इसके अंदर चार्ज कर रहे हैं, तो भाई मेरी फ्यूचर कार कुछ ऐसी ही होने वाली है टाटा नैनो के बाद। और अपने जो छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो भी आप इनसे चार्ज कर सकते हैं इस टाइप के, क्योंकि आप साथ में कैरी कर सकते हैं, आप इसको गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करके और देन उस पर अपना कम्यूट कर सकते हैं लोकली। तो ये इसका इंटरनल कंसोल है जिसपे आप जो है कुछ भी मूवीज वगैरह वॉच कर सकते हैं एंड या फिर अपने मोबाइल से भी कुछ चला के दे सकते हैं। तो काफी अच्छा जो है वाइड और कॉम्पैक्ट और काफी स्लीक जो है ये एक कंसोल दिया गया है इसके अंदर। ये तो सब नॉर्मल चीजें और गाड़ियों में भी आपको मिल जाएगा, पर सबसे मेन इसके अंदर रेंज, कलर वैरायटी और V2V चार्जिंग, ये चीजें बहुत अच्छी लगी मुझे इसके अंदर। और वायरलेस चार्जर भी है इसके अंदर, आप फोन जो वायरलेस अगर आपका चार्ज होने वाला फोन है तो वो इसके अंदर आप चार्ज कर सकते हैं। देन एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है भाई, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, मतलब रिवर्स ब्रेक जो होते हैं वो इसमें इलेक्ट्रॉनिकली है। पीछे से चौंधा लगता है ना जब रात के अंदर कार के अंदर, तो वो आप इसके अंदर उसको डिम कर सकते हैं कि पीछे से आपके आंखों पे वो चौंधा ना लगे, क्योंकि एक मतलब काफी अच्छा क्रूशियल एक इसके अंदर सेफ्टी फीचर है। OTA अपडेट्स है, जब भी कोई नया अपडेट आएगा सॉफ्टवेयर का वो आपका जो है इसमें अपडेट हो जाएगा। और रेन सेंसिंग वाइपर है, ऑटोमेटिक वाइपर फॉर अनएक्सपेक्टेड रेन शावर्स, जो अचानक से रेन अगर चलते हुए आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही उसको सेंस करके और स्टार्ट हो जाएंगे। ऑटो हेडलैम्प्स है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स डेड लाइट्स ऑफ योर ड्राइव, जब भी आपका जैसे जैसे सांझ होने लगेगी वो ऑटोमेटिक वो आपके हेडलैम्प्स ऑन हो जाएंगे, आपको भूल भी जाएंगे तो ये टेंशन नहीं रहेगी कि आप हेडलाइट आपकी जल रही है नहीं जल रही। इसके अलावा सेफ्टी में आपके 360 डिग्री सराउंड व्यू सिस्टम दिया हुआ है, कैमरा जो है 360 व्यू दे रखे हैं आपके अगल बगल आगे पीछे सब उसमें आपको नजर आएगा। ब्लाइंड स्पॉट व्यू दिया हुआ है कि मतलब कुछ बिल्कुल सट के जो कहीं होते हैं ना, कोई सरिया निकला हुआ है या कोई लोहे की रोड निकली हुई है, अधकटा खंबा है कोई जो एकदम चिपके हुए होते हैं स्क्रैच मार जाते हैं, वो सब आपको इसके अंदर मॉनिटर कर सकते हैं, अगल बगल में कोई भी चीज छूटेगी नहीं आपकी। SOS कॉलिंग है, मान लीजिए आप फंस गए हैं, एक्सीडेंट हो गया, आप कॉल करने की कंडीशन में नहीं है, तो सीधा आपको एक स्विच ऑन करना है और वो सारे इमरजेंसी लोकेशंस पे आपकी इन्फॉर्मेशन भेज देगा कि आपको जरूरत है, आप इमरजेंसी में है विद लोकेशन की किस लोकेशन पे आप फंसे हुए हैं। तो ये कमाल का फीचर है, बहुत नेसेसरी फीचर है आज के डेट में।
छह एयरबैग है दोस्तों इसके अंदर, ESP विद IVAP बैग है, एडवांस डायनामिक स्टेबिलिटी फॉर प्रिसाइज हैंडलिंग, मतलब इसका जो स्टीयरिंग है वो काफी बैलेंस्ड है, ये नहीं है कि एक तरफ कहीं पे भी भाग जाएगा। हिल एक्शन कंट्रोल है, होल्ड फॉर 2 सेकंड व्हेन यू स्टॉप ऑन एन इंक्लाइन, तो जब भी आप किसी इंक्लाइन पे चलेंगे तो आपको 2 सेकंड होल्ड करके ही आगे बढ़ेगी, सो दैट कि आप अगर कंट्रोल खो रहे होंगे तो आप उस कंट्रोल को वापस पा सकते हैं। देन डिसेंट पे भी कंट्रोल है, जब आप स्लोप से उतरेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसकी स्पीड जो है स्लो हो जाएगी, सो दैट कि एकदम से आगे ब्रेक मारने में आपको टेंशन ना हो। ऑटो होल्ड है, कीप योर कार एट अ कंप्लीट स्टॉप अंटिल यू प्रेस द एक्सेलरेटर, जब तक आप एक्सेलरेटर नहीं देंगे कार जो है एकदम बंद रहेगी, तो पूरा होल्ड में रहेगी, यानी कि लुढ़कती जा रही है एक तरफ को। देन ऑल डिस्क ब्रेक है, और जो है ABS तो ऑफकोर्स होगा ही इसके अंदर। फ्रंट पार्किंग सेंसर है कि कितनी दूरी पे नेक्स्ट कार है, कि आप कट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, अगर कम मार्जिन है तो वो सारा इसके अंदर इंडिकेशन दी गई है। तो कुल मिला के यार बहुत बढ़िया फीचर्स हैं, और टाटा से यही उम्मीद थी। दिन ब दिन जो टाटा मोटर्स है वो एक से बढ़कर एक चीजें लेके आ रहा है। USB Type-C 45 वाट फ्रंट एंड रियर चार्जिंग है, मतलब आगे वाला बंदा अलग चार्ज कर सकता है, पीछे वाला अलग चार्ज कर सकता है, जो है सॉकेट्स हैं उसके अंदर। ग्रैंड सेंटर कंट्रोल है, जहां से ऑल टुगेदर सारी चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। देन कूल ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स के अंदर आप अपने कॉफी वगैरह और जो अदर बेवरेजेस हैं वो कूल रहेंगे, आपके चिल्ड रहेंगे, फ्रिज है एक तरीके से। 60-40 रियर सीट एंड सेंटर आर्म रेस्ट है, सो दैट की दोनों साइड पे बैठने वालों को प्रॉपर उसके अंदर आर्म रेस्ट मिल जाए। तो ये कमाल के फीचर है भाई, मतलब कीमत के हिसाब से काफी अच्छी चीजें इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं। सो चूज योर बैटरी पैक LR MR, इसके अंदर आप बैटरी पैक अपने एडवांस में आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से वाला बैटरी आप यूज करने वाले हैं। और इसके अलावा काफी सारे ऐसे मोड हैं जो कुछ नए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ही जो आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ जो है पुरानी नेक्सा से भी उठाए हुए हैं। स्मार्ट वॉच से भी आपकी अटैच हो जाएगा इसका सॉफ्टवेयर। उसके अलावा इन्होंने एक एस्टिमेट सेविंग भी दी गई है, 5 साल में आप कितना सेव कर लेंगे। अगर डेली आपकी 20 किलोमीटर्स का रहना है तो अभी मैं बता देता हूँ आपको, अगर डेली आपका नॉर्मली दिल्ली में देखा जाए, दिल्ली में, तो आपका अप डाउन 60 किलोमीटर के करीब तो रहता ही है। अगर आप गुड़गांव जाते हैं तो 62 कर लेते हैं, 31 तो होता ही है, मतलब वन साइडेड। और फ्यूल प्राइस जो है इस समय दिल्ली में चल रहा है 97 ही मान लो, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी कितनी सेविंग आने वाली है देखें जरा। फ्यूल कॉस्टिंग भाई हमारी आ जाएगी 5,68,000 की 5 साल में। तो उसके अलावा 16.40 mg इक्विवेलेंट टू टेल पाइप CO2 रिड्यूशन, इतना हम एनवायरमेंट को हम रिलैक्स करेंगे। ये कुल मिला के 151 पूरे फुल फ्लैज पेड़ लगाने के बराबर होगा एनवायरमेंट में, इतना हम कम CO2 रिड्यूस करेंगे कि हम एक तरीके से हम 151 हमने पेड़ एनवायरमेंट में लगा दिए होंगे। दोस्तों कुल मिला के बहुत ही कमाल की गाड़ी बनाई है, और काफी सही रेट में है। इस रेट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जिंग में 400+ किलोमीटर, और वो भी विद इन 50 मिनट आप जो है फिर से उसको 80% तक चार्ज कर सकते हैं। तो एक बहुत बढ़िया इन्वेंशन है, एक बहुत बढ़िया प्रोग्रेस है EV के अंदर, और ऑलरेडी नेक्सन का एक अच्छा खासा मार्केट है, और एक उसकी गुडविल है, लोग बहुत पसंद भी करते हैं इस कार को। उसके अंदर EV इतने सारे फीचर्स के साथ आना एक बहुत ही बढ़िया एक संकेत है कि ये फर्स्ट एक इन्होंने एक तरीके से बिगुल बजा दिया कि भाई आने वाला जो रेंज है वो इससे कम नहीं चलेगी EV में, इससे आगे ही आपको बढ़ना पड़ेगा। तो 465 हो गए, तो अब नेक्स्ट शुड बी 700 or 800 समथिंग इन द सेम प्राइस रेंज, तभी वो कंपटीशन दे पाएंगे। एंड देन उसके आगे 1000+, तो आप ऑल इंडिया कवर कर सकते हैं EV से आने वाले 1-2 सालों के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जल्दी हम चलेंगे टाटा के शोरूम में, और वहाँ पे हम जो इसका मॉडल अवेलेबल होगा उसके ऊपर एक बार फिर से हम फिज़िकली रिव्यू भी लेंगे। वेन एवर इट विल बी पॉसिबल आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो, आप कमेंट करिएगा आपकी क्या राय है टाटा मोटर्स के इस न्यू इन्वेंशन के बारे में, और
शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।